जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ प्रेप क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल मींस। सिंगुलर मींस वन एंड प्लूरल मींस मोर देन वन। जैसे हम उर्दू में कहते हैं वाहिद और जमा। वाहिद में हमारे पास होती है एक चीज़, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो होंगी जमा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट ब्लॉक। इफ वी हैव वन ब्लॉक देन दिस इज अ सिंगल ब्लॉक एंड इफ वी हैव मोर देन वन ब्लॉक्स simply we will add s to make it plural, block and blocks. Let's take another example, marker. अब हमारे पास एक marker है तो ये वाहिद है। इसी तरह हमारे पास more than one markers हैं। अब ये हैं जमा। इफ वी हैव मोर देन वन मार्कर्स इट विल मेक प्लूरल। सिंपली वी विल ऐड एस टू मेक इट प्लूरल। मार्कर मार्कर्स। एक मार्कर हमारे पास वाहिद। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मार्कर्स होंगे तो वो होगी जमा मार्कर्स। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल, कप। हमारे पास एक कप है। इफ वी हैव मोर देन वन कप्स हियर इज अ मिसिंग एस। Simply we will add s to make it plural. Now it is a plural, cups. Cup, cups. Let's take another example, hamare paas ek pencil hai, it is a singular. If we have more than one pencils to make it plural we will add s. Now pencils, singular pencil and plural pencils. Small activity to give the concept of singular and plural. Learn this activity in a better way. Take care, stay home, stay safe.